बिलासपुर के सीएमएचओ कार्यालय में एसीबी की टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए एक नोडल अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सीएमएचओ ऑफिस में लंबे समय से पदस्थ पीएनडीटी और आरसीएच नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि पीएनडीटी अधिकारी ने जायसवाल सोनोग्राफी सेंटर के संचालक राहुल जायसवाल से लाखों रुपए की रकम बतौर रिश्वत पर मांगी थी। बताया जा रहा है कि पीएनडीटी अधिकारी ने जायसवाल सोनोग्राफी सेंटर के संचालक राहुल जायसवाल से रिश्वत के तौर पर लाखों रुपए की मांग की थी। शहर के सीएमएचओ कार्यालय में एसीबी की टीम ने शनिवार को कार्रवाई कर नोडल अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सीएमएचओ ऑफिस में लंबे समय से पदस्थ पीएनडीटी और आरसीएच नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे को एसीबी टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पीएनडीटी अधिकारी ने जायसवाल सोनोग्राफी सेंटर के संचालक राहुल जायसवाल से लाखों रुपए की रिश्वत की मांग की थी। आपको बता दें कि डॉक्टर अविनाश खरे सरकंडा स्थित सीएमएचओ कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। सिम्स के सामने और पेंड्रा में डॉक्टर राहुल जायसवाल का सोनोग्राफी सेंटर है। डॉक्टर जायसवाल यहां आने वाले दिनों में सीटी स्कैन मशीन भी लगाने वाले थे। नोडल अधिकारी डॉक्टर खरे ने डॉक्टर जायसवाल से उनके सोनोग्राफी सेंटर में कभी छापा न पड़ने और संरक्षण देने की बात कहकर डॉक्टर जायसवाल से दोनों सोनोग्राफी सेंटर का 1,00,000 रुपए और सीटी स्कैन मशीन लगवाने पर 1,00,000 रुपए और रिश्वत देने की मांग की थी, जिस पर डॉक्टर जायसवाल ने डॉक्टर खरे को 22 फरवरी को 25,000 रुपए दिया और बाकी रकम देने के लिए कुछ समय मांगा। डॉक्टर खरे के दबाव बनाए जाने पर डॉक्टर राहुल जायसवाल ने इसकी शिकायत एसीबी से की। इसके बाद सोमवार को बाकी की रकम देने पहुंचे डॉक्टर जायसवाल के साथ एसीबी टीम ने केमिकल वाले नोट देकर भेजे। एसीबी की टीम लगातार मामले में बनी रही और जैसे ही डॉक्टर खरे ने केमिकल से लगे हुए रिश्वत के 50,000 रुपए को अपने पास रखा, एसीबी की टीम ने छापा मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने डॉक्टर खरे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुलिका सिंह ने जानकारी न होने की बात की है। सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग कई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच अधिकारी की जिम्मेदारी इस भ्रष्ट डॉक्टर अविनाश खरे को दी गई थी, जो लंबे वक्त से पूरी नहीं हो पाई है। अब सीटी स्कैन और अन्य संरक्षण के लिए अविनाश पैसे की मांग करते हैं। एक्चुअली ये पीसीपीएनडीटी के नोडल ऑफिसर हैं बिलासपुर के सीएमएचओ ऑफिस में। इन्होंने सेंटर के संरक्षण के लिए कि मैं आपका सेंटर चलाने दूंगा, आपको छापा वापा नहीं मारूंगा, तो 1,00,000 रुपए दोनों सेंटर के लिए मांगे, मेरे दो सेंटर्स हैं, और नई सीटी स्कैन मशीन में लगाने वाला हूं, उस मशीन के लिए भी मुझसे 1,00,000 रुपए की रकम मांगी गई थी। मतलब टोटल 3,00,000 रुपए इन्होंने मुझसे मांगे थे। 3,00,000 रुपए में 22/2/2019 को 25,000 की रकम इनके द्वारा मुझसे ले ली गई थी। बाकी के 75,000 रुपए के लिए मैं आया तो बार्गेनिंग होके 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसे आज दिनांक 29/4/2019 को मैं आया तो बाकी के 50,000 रुपए देते हुए ये मुझसे लिए। क्या चीज का सेंटर था? हम मेरे दो सोनोग्राफी सेंटर हैं, जिसमें सिम्स बिलासपुर के सामने जायसवाल सोनोग्राफी है, जिसमें मैं सीटी स्कैन मशीन चालू करना चाहता था, इसके लिए उन्होंने रकम की मांग की थी और सेंटर के संरक्षण के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। बिलासपुर से अजीत मिश्रा की